हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आई एम संदीप कुमार और आज हमारा जो सेशन है वो न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। देखो, पहली जो क्लास 6 की एनसीईआरटी थी उनमें हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें जानी, थोड़ा बहुत संविधान के बारे में भी चर्चा किया, बाकी समानता, इक्वालिटी, है ना, एजुकेशन। सेवेंथ की एनसीईआरटी में जब हम आए तो हमने जाना कि समानता का विचार कैसे आया, समानता क्या होती है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कैसे समाज एक स्पेशल खांचे में लड़के और लड़कियों को ढालता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर अगर हम देखें तो बाजार में एक कमीज देखा था। उसके पहले हमने जो मार्केट है हमारे आसपास का, मीडिया के बारे में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी दो एनसीईआरटी में हमने बेसिक इतना कंप्लीट कर लिया है कि हमें ये चैप्टर सीखने में कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो चैप्टर होंगे ना, क्लास 8 की एनसीईआरटी से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी के, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे। ओके, वो चैप्टर्स जो थे कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी में, वो आपके सोशल जस्टिस में काम आ जाएंगे, आपके एसे राइटिंग में काम आ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड पेपर में बहुत जगह पर वो काम आएंगे। ऐसा नहीं है वो बेकार गए, लेकिन उसमें बेसिक है और जब तक आपको बेसिक की समझ ढंग से नहीं होगी तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो एनसीईआरटी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी है और इसमें हम जो मूलभूत चैप्टर्स देखेंगे, है ना, उनका हम मोटा मोटा देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे। वेट ए सेकेंड, अब इसमें जो देखेंगे, इकाई 1 में हम भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इवन सोशल सिस्टम में धर्मनिरपेक्षता एक अनूठी विशेषता है हमारे संविधान की, और भारतीयों की जो विविधता में एकता वाली बात है ना, वो यहाँ कहीं परिलक्षित होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बेसिक चीज़ें, कैसे हमारा संविधान प्रकाश में आया, संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में हम सारा समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड चैप्टर होगा यूनिट 1 में धर्मनिरपेक्षता की समझ, डिफरेंस समझेंगे धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में, और भारतीय समाज के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता कितनी आवश्यक वस्तु है, क्या इसमें ऐसा है कि और भी इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। इकाई 2, संसद और कानूनों का निर्माण, जो हमारी व्यवस्थापिका है जिसको हम विधायिका या संसद या राज्य विधायिका के नाम से जानते हैं, वहाँ पर कानूनों का निर्माण कैसे होता है, बैठकें कैसे होती हैं, संसद तथा कानूनों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। थर्ड स्टेज में हम न्यायपालिका के बारे में देखेंगे कि न्यायपालिका हमारी कैसे काम करती है, एकल न्यायपालिका की जो भूमिका है अमेरिकन सिस्टम से अलग, वो कैसे हमारे यहाँ काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में हाई कोर्ट, उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सुबॉर्डिनेट कोर्ट, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस, हाशिए की आवाज़ें, हाशिएकरण की समझ कि कैसे किसी एक कास्ट को, एक समाज को, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री में कक्षा 12 की एनसीईआरटी में हमने देखा था तीसरा चैप्टर कि कैसे एक समाज को हाशिए पर ढकेला गया, कैसे वर्ण व्यवस्था आई, कैसे उसका रेशनल तरीका जाति व्यवस्था ने ले लिया, और कैसे एक समाज के एक बड़े वर्ग को एक उसका हाशिएकरण किया गया, मुख्यधारा से उसे बाहर कर दिया गया। हाशिएकरण से निपटना कि हम उस जो मुख्यधारा में लोग छूट गए हैं मुख्यधारा से, उनको कैसे हम वापस मुख्यधारा में मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, कैसे उनके लिए काम करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में, जो इकोनॉमिक सेक्टर में, सरकार की क्या भूमिका होती है, जिसमें आपकी पब्लिक पॉलिसी, जिसमें जन सुविधाएं जो जनता को देती है, कानून और सोशल जस्टिस। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये आपके सोशल जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे समाज के लिए, और ऐसे वगैरह राइटिंग में बहुत काम करते हैं, इवन एथिक्स में भी। और ऊपर के जो 3 चैप्टर हैं, ठीक है, वो हमारे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो सबसे पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान क्या होता है, जैसे इसमें कहानी दी गई है, आप फुटबॉल तो जानते ही होंगे, फुटबॉल कैसे खेला जाता है, ज़्यादातर बच्चों ने खेला होगा, है ना, आप लोग भी खेलते होंगे। तो यह खेल पैरों से संबंधित होता है, यानी फुट का प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है, फुट और बॉल से मिलकर के एक होल बनता है। और फुटबॉल का एक खास नियम ये होता है, गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी, ठीक है, गोलकीपर उसको बांह से छू सकता है, ठीक है,
बाकी कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता। अगर खिलाड़ी की बांह गेंद से छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। बात समझ में आई ना, और विपक्षी टीम को एक अतिरिक्त मौका मिल जाता है। तो कौन छुएगा बॉल को? गोल कीपर सिर्फ छुएगा। ये बात मैं जानता हूं बहुत कम लोगों को पता होगी, क्योंकि गोल कीपर क्या है, जहां पर गोल दागा जाता है ना उसके सामने खड़ा होता है, तो उसके पूरे शरीर में बॉल चाहे जहां लग जाए उसे बस रोकना होता है, ठीक है, कि गोल ना होने पर। अगर गोल हो गया तो क्या होगा, विपक्षी टीम पर दबाव पड़ जाता है। तो उसके लिए तो नियम बदला गया है कि नहीं, वो शरीर के किसी भी अंग से बॉल को छू सकता है, लेकिन जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके लिए यह नियम नहीं है। अगर किसी खिलाड़ी की बांह से गेंद छू जाती है तो उसे फाउल माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी खिलाड़ी अगर फुल खिलाड़ी फुटबॉल को हाथ में लेकर एक दूसरे से थामने लगे तो उस खेल में फुटबॉल नहीं माना जाएगा, वो हैंडबॉल हो जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नए नियम होते हैं, हर कोई खेल हो है ना, या सामाजिक व्यवस्था सब नियमों पर चलती है ना, बिना नियमों के कुछ भी नहीं चल सकता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने, अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिल जाती है। इन खेलों की तरह समाज में भी के भी कुछ मूलभूत नियम जिनको कॉन्स्टिट्यूट रूल बोलते हैं होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तय किया जाता है, ठीक है। जैसे हम जब संसद में बैठते हैं तो संसद में कोई एक पक्षीय कानून नहीं बनता, पक्ष और विपक्ष आपस में चर्चा करके ही कानून बनाते हैं। अगर पिछली सरकार का मतलब जब फुल मेजोरिटी से बीजेपी थी तो बहुत सारे कानूनों को बिना चर्चा किए ही संसद से पास करा लेती थी, क्योंकि उसके पास बढ़िया मेजोरिटी थी। अब उसे बैसाखियों के बाद उसे चलना पड़ रहा है, तो क्या है, सभी पक्षों को सहमत करना पड़ेगा। और वही बात कहा गया है कि अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय भी रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमत के जरिए तय किया जाता है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, विपक्ष कह रहा है वक्फ बोर्ड पे कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, एनडीए सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड पे या मोदी सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड पे, भाई कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध होना ही चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन को इतनी अधिक पावर क्यों हो जाए, सीधी सी बात है ना, अगर सुधार की गुंजाइश किसी भी इंस्टीट्यूशन में है तो उसे करना चाहिए और जोर शोर के साथ करना चाहिए, कोई नई बात नहीं होनी चाहिए इसमें। हाय तौबा, अगर विपक्ष मचाता है तो वो वोट की राजनीति करता है, ये मैं मानता हूँ। वहाँ नियमों को आम सहमत के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, ठीक है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारत का संविधान जैसे है, ठीक है। तो इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब किसी देश को संविधान की जरूरत भाई क्यों पड़ती है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ जाएगा। अब भाई आपको खेल खेलना है ना, तो आपको नियमों की जरूरत पड़ेगी। तो किसी देश के अंदर इतनी बड़ी विविधता होने के बावजूद अगर सरकार चलानी है, डेमोक्रेसी लानी है, तो नियमों का एक संग्रह तो होना ही चाहिए। अगर नियमों का संग्रह नहीं है, लिखित हो या अलिखित हो, ब्रिटेन में अलिखित चलता है, अगर नियमों का संग्रह किसी देश में नहीं है तो वो देश कितने दिनों तक चल पाएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बात, अगर नियम बने हैं मानने वाला कोई नहीं तो स्थिति तालिबान और म्यांमार बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। तो नियम जो बने हैं उन पर भरोसा भी करना पड़ेगा और उनको मानना भी पड़ेगा, ये बात निकल करके आती है। तो भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1934 में की गई, 1934 में, ठीक है, और पहली बार इस मांग को अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा, यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई, अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। देखो पहले तो एक सिस्टम था, जब भाई आजादी की लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, तो उस समय कई सारी पार्टियां थी, उनमें मेजर पार्टी कांग्रेस थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसने कई अधिवेशनों में इस बात की बात करी थी कि नहीं, हम अपना नियम कानूनों का संग्रह खुद बनाएंगे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आती है जिसमें कुछ मूलभूत बातें थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको नहीं मानती है, चीजें आई गवाई हो जाती हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच में जिन्ना रिपोर्ट को लेकर के, नेहरू रिपोर्ट को लेकर के आपस में क्लैश भी होते हैं। तो ये वो दौर था जब CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग को लेकर के बात करना स्टार्ट किया। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक नीति में इसको शामिल कर लिया। फिर कांग्रेस ने जब तक
देश आजाद नहीं हुआ, संविधान सभा का गठन नहीं कर लिया, अपने हर अधिवेशन में इस तरह की बात करती थी। ठीक है, ये संविधान सभा है, ये देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इधर राजेंद्र प्रसाद बैठे होंगे, बाकी सभी लोग इधर बैठे हुए हैं चेयर में। ठीक है, तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति भविष्य तय करने का मौका मिल जाता है। अब देखो, अब सीधे सीधे डेट दी गई है, पहली बार संविधान सभा की जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, है ना, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मान लिया जाता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को सार्वभौमिक रूप से क्या संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को होती है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई ना। तो जो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, उसके पहले मुगल, उसके पहले अन्य सल्तनत काल के योद्धा, है ना, साम्राज्य, उसके पहले ये प्राचीन भारत में अगर चले जाओ तो गुप्त साम्राज्य, तो धीरे धीरे वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होकर क्या हुई कि भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति भविष्य तय करने का मौका मिल गया। इतने साल संघर्ष करने के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देखो संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ओके, तो ये बात है, बात समझ में आ गई ना। तो जो भी काम हुआ वो तो साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट किया। संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका मुख्य कार्य था कि कई देशों के संविधानों का अध्ययन करना और भारत के लिए उनकी स्थिति के हिसाब से, उनकी विविधता के हिसाब से संविधान को तैयार करना। उन्होंने तैयार किया और ड्राफ्ट को संविधान सभा में रखा, उस पर बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पास कर लिया गया और उसे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू कर दिया गया। बात समझ में है ना। तो ये हमारा एक बेसिक आउटलाइन है। आज दुनिया भर के देशों के पास अपना संविधान है। ठीक है, आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में यह उम्मीद की जा सकती है। जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं, हम तानाशाही या राजतंत्रात्मक प्रवृत्ति वाले देशों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन देशों की बात कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो अप करते हैं। वहां अपना उनका एक संविधान है, उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक ही होगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बांग्लादेश के पास संविधान था, वहां लोकतंत्र बचाने, म्यांमार के पास संविधान था, नहीं बचा, अफगानिस्तान के पास संविधान था, वो भी नहीं बचा। तो ये कुछ मूलभूत एग्जाम्पल हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूरी करता है। अब जैसे क्या करता है, वो एक स्वरूप तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून के जो कानून बनेगा उनके आदर्श क्या होंगे, जिनके आधार पर नागरिकों को अपनी इच्छा और सपने के अनुसार वो रच सकते हैं, किन लोगों को अधिकार मिलेंगे, है ना। जैसे अमेरिकन संविधान बन के सबसे पहले तैयार हुआ, लेकिन वहाँ पर जो कह सकते हो ब्लैक लोग थे उनको अधिकार नहीं दिए गए, उनको वोट का राइट नहीं दिया गया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए, संपत्ति के अधिकार आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया। यही हाल फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ कि वहाँ पर संपत्ति के आधार पर लोगों को वोट का राइट मिला, सभी नागरिकों को, सभी महिलाओं को वोट का राइट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया तो सब कुछ आ गया, भाई संविधान को फॉलो अप भी तो करना है। आ गई बात समझ में। तो पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है, यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ये कौन बताएगा, ये हमारा संविधान बनाएगा, और संविधान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्श के अनुसार ही बना है। ठीक है, जो उनके सपने थे, जो उनकी इच्छाएं थी, जो हमारे जनता के सपने थे, जो उनकी इच्छाएं थी, उसी आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। अब समुदायों का धर्मों से रिलेट कर सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, यथी, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे लोग रहते हैं। अब सभी को एक देश के अंतर्गत समरसता लानी है, बंधुत्व लाना है, एकता लानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान ही एक नियम खांचों का ढांचा बनाया गया और जिसके अनुसार देश पर शासन चलाया जाएगा।
लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, सरकार लोगों के अनुसार काम करेगी, है ना। ऐसा नहीं सरकार चुन लिया पांच साल तक वो जनता को लात घूंसों से मारी, ऐसा नहीं करना है। जनता की बात भी सुननी होगी, जो चार स्तंभ हैं हमारे शासन के उनकी तो बात सुननी ही पड़ेगी। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सारे मुद्दों पर वे एक दूसरे से सहमत ही हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, ऐसा सेट होता है, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे संविधान क्या है, तो संविधान नियमों या रूल्स एंड रेगुलेशन का ऐसा समूह, ऐसा सेट होता है जिससे या जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल वे यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, और यही बात हुआ था 1973 केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में, यही बात की गई। और इसी के लिए प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और प्रस्तावना को जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही प्रस्तावना बनती है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान के साथ प्रस्तावना को भी पास कर लिया जाता है। और प्रस्तावना के बारे में ये एनसीईआरटी के हर किताब में जो स्टार्टिंग आउटलाइंस हैं उनमें दी गई है। ओके, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष वगैरह ये बातें होती हैं। तो इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दो घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। पहला, अब देखो ये संघर्ष चल रहा है नेपाल का, क्या है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है वहां, और लोकतांत्रिक व्यवस्था 2 साल तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में क्या हुआ, वहां के राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न काबों को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, यानी राजशाही धीरे धीरे थोपने लगे। क्या हुआ कि 1990 से आसपास संघर्ष स्टार्ट होता है लोकतंत्र के लिए, फिर वहां डेमोक्रेसी स्थापित होती है। 2002 में जो ज्ञानेंद्र वहां के राजा थे उन्होंने कहा कि माओइस्ट संगठन नेपाल पे बहुत ज्यादा प्रभाव जमा रहे हैं और नेपाल को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, उसकी आर्थिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, तो ये बहाना बनाकर सेना की मदद लेते हैं और सरकार के विभिन्न कामों को यानी सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और स्वयं वहां के शासक बन जाते हैं। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ क्या हुआ, 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत कर लिए। समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा, यानी लगभग 4 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल क्या हुआ, लोकतंत्र बन गया। ओके, तो ये लोकतांत्रिक एक इतिहास है नेपाल का। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन का दृश्य ऊपर के चित्रों में है, जो चीजें आपको ऊपर दिखाई गई हैं, ये देख सकते हो ये संघर्ष कैसे चल रहा है छोटे बच्चों से लेकर बड़े व्यक्ति तक। नेपाल में लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल उठता है कि जब नेपाल में पहले ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है, कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, राजा का शासन था। 90 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास ही होगी, है ना। राजा के पद को समाप्त नहीं किया हमने, क्या किया हमने, जो सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति में स्थापित कर दी और उसका निर्वाचन किया। प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट रूप से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ओके, तो नेपाल के लोग कई दशक तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म कर देना पड़ा और नेपाल में लोकतंत्र का रास्ता आसान हो गया, इसलिए उन्हें एक नया संविधान अपनाना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके।
नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया, ठीक है। और नेपाल के संघर्ष के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, क्यों जरूरत है? दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस प्रकार का होगा। जैसे नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि जो शासन की बागडोर होगी राजा के हाथ में होगी, ठीक है, और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया, ये व्यवस्था तो राज्य व्यवस्था ही बनती रहे, लोकतांत्रिक शासन पद्धति है या राज्य व्यवस्था है, है ना। और वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो एकदम क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि राजा का क्या कर्तव्य होगा और चुनी हुई सरकार का क्या कर्तव्य होगा, अधिकार किसके पास ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वैसे तो मूल रूप से अधिकार किसके पास ज्यादा होने चाहिए, जो चुनी हुई सरकार है, ओके। तो वहां निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, देखा होगा लोकसभा इलेक्शन हुआ 2024 में और सब ने ज्यादातर एनडीए को चुना और उसे 241 सीटें दी, कांग्रेस को 99 सीटें दी, अन्य विपक्षी दलों को थोड़ी थोड़ी सीटें, यानी 500, अभी वर्तमान में 545 टोटल सीटें हैं और संसद की टोटल नंबर ऑफ सीटें 550 हैं, प्लस दो थी लेकिन वो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तो 545 सीटें वर्तमान में हमारे पास हैं। और इन 545 सीटों में 241 किसको मिली, एनडीए को मिली, तो इसके पास इसको थोड़े और इकट्ठे करके बहुमत बने, भाजपा को इतनी मिली, एनडीए को जो टोटल मिली वो 303 सीटों के आसपास थी और हमें सरकार बनाने के लिए 272 ही सीटें चाहिए, ओके। तो जिसको शासन में हम बिठाना चाहते हैं उसको बम्पर वोट करते हैं और वो समित सरकार में आ जाता है, जिसके पास बहुमत होता है वही सरकार चलाएगा। वर्तमान में एनडीए के पास बहुमत है, वो सरकार चला रहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले 2014 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, है ना, 2019 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, 2024 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, तो ये थर्ड टर्म है, ओके। तो मोदी जी क्या है, मोदी जी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए 2014, 19 और 2024 में, ओके, ताकि हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और हमारी जो क्या कह सकते हो संसद है, संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर प्लस राष्ट्रपति से मिलकर, यानी तीन जगहों से मिलकर के बनती है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो राज्य विधानसभा द्वारा भेजे जाते हैं, लोकसभा में जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन करके भेजे जाते हैं। पिछली क्लासेज में हमने राज्य विधानसभाओं के बारे में पढ़ा कि जो एमएलए होता है ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी जनता द्वारा चुना गया होता है, इसको हम सामान्य भाषा में विधायक बोलते हैं और कई सारे विधायक मिलकर के सरकार का गठन करते हैं, वो राज्य सरकारें कहलाती हैं। केंद्र सरकार में सब एमपी होते हैं, केंद्र सरकार में सब लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य जब बहुमत में कोई प्राप्त कर लेता है, ठीक है, 272 सीटें जो प्राप्त कर लेता है वो अपनी सरकार बनाता है। और कोई भी मंत्री 6 महीने तक बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हुए सरकार में हो सकता है, बस उसे 6 महीने के अंदर क्या करना होता है, उसे किसी एक सदन से क्या होना है, सदस्यता प्राप्त करनी है, चाहे वो लोकसभा से करे या राज्यसभा से। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, मनमोहन सिंह बने, इंदिरा गांधी बनी है, तो इस तरह से हो सकता है। अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, ये नियम है हमारा, ओके। तो मोदी जी क्या है, लोकसभा सांसद हैं, और योगी आदित्यनाथ का है, वो राज्य विधानसभा सदस्य हैं, वो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, इसलिए वो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, इस तरह की विकृतियों से बचाव के उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, इसका एक उदाहरण नीचे लघु चित्र में दिया गया है। तो भैया लघु चित्र क्या बताता है कि भाई सत्ता एक हाथ में चली जाएगी तो वो मोनोपोली हो जाएगी, है ना, तानाशाही जिसको बोलते हैं। आजकल मोदी जी पे तानाशाही के बड़े इल्जाम लगते हैं कि मोदी जी तो ये हैं, मोदी जी वो हैं, है ना, और एक बड़ा नेता निकल के आया है राहुल गांधी, क्या होगा भारत का भविष्य, ये तो आगे तय ही हो जाएगा। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते
अच्छा मॉनिटर बनना अपने आप में बड़ा खेल होता था, मॉनिटर मालिक बन जाता था अपने आपको, मालिक मानता था क्लास का, और मैडम का जो चमचा होता था, मैडम या सर का जो चमचा होता था वही मॉनिटर बना दिया जाता था, और भैया हर चीज की गणना करता था। उसके लिए सबसे जो शरारती पीछे बैठे वाले बच्चे होते ना, सबसे दिक्कत उनको होती थी। आप लोग मॉनिटर रहे हो तो समझना इस बात को, शरारती लड़का था, सहपाठी उसे पसंद नहीं करते, क्लास टीचर श्रीमती अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं, वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फायदा उठाता है, अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है? श्रीमती लाओ के लौटने पर जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये कौन कह रहा है? ये चापलूस बच्चा किसको बोल रहा है? अपनी मैडम को। जैसे कांग्रेस में कहा जाता है कि बहुत सारे चापलूस लोग हैं और वो तीन लोगों को सारी बातें बताते हैं, एक हैं सोनिया गांधी जी, दूसरे हैं राहुल गांधी जी, तीसरी प्रियंका गांधी वाड्रा। ओके, तो उसी तरह ये चापलूस आदमी क्या कर रहा है, बता रहा है। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अनिल बेचारा परेशान, ये बड़ा खुश हो गया। तो कुल कहने का मतलब है कि अगर मोनोपोली होगी ना, तो एक ऐसे व्यक्ति को बनाना है जो पक्ष की बात करे, एक ऐसे व्यक्ति बताना है जो विपक्ष की बात करे, बिना विपक्ष के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। ओके, मॉनिटर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किस तरह कर रहा है बताना है आपको। दी गई परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्र के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा, जब तक ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है तो वो क्या है, ये भी इसी तरह की चीजें हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है ना। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भाग 3। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं, 12 से 35 तक। ठीक है, याद करते हुए चलना। वहां पढ़ाते कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 14 से 18 भाग 3 समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक फंडामेंटल राइट है। ओके, उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार है, उसी तरह है ना वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। तो इस तरह से अधिकार दिए गए हैं। एक टाइम पे संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसे 78 में हटा करके लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, लोकतंत्र में संविधान का महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपने इस्तेमाल का ताकत का इस्तेमाल ना करे, कि मतलब कोई अमीर आदमी किसी का शोषण न करने पाए ना। मान लिया हिंदू बहुसंख्यक है तो मुसलमानों को दबाने ना पाए ना, उसे दबाने में ना पाए, उनके हितों के विरुद्ध न जाए, उनकी भी बात सुनी जाए। इसीलिए क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम भी आता है। लेकिन अगर भारत की अगर व्यवस्था की बात करें ना, तो भारत में इस तरह कभी रहा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को दबाया गया है, जबकि उल्टे अगर बांग्लादेश में देखो, म्यांमार में देखो, पाकिस्तान में देखो, अफगानिस्तान में देखो, वहाँ अल्पसंख्यकों का हाल बहुत बेहाल है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखो, अल्पसंख्यकों के है ना आंदोलन किसके लिए किया था, और रास्ते में अल्पसंख्यकों के घरों को जलाना शुरू कर दिया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटना शुरू कर दिया, उनकी हत्याएं करना शुरू कर दिया, उनके मकान घर वगैरह लूटने शुरू कर दिए। तो ये अपने आप में एक कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत के संबंध में ऐसा था नहीं। हम बिना संविधान के भी बरसों पहले से एक साथ बराबर रह ही रहे थे। ओके, तो ये एक प्रकार का हो सकता है। इसी तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। ओके, बहुमत की निरंकुशता का कर्ता हर समाज में बना रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम अमेरिकन बात करें तो वहां श्वेत लोगों का दबदबा है भारत वहां के संविधान में, ब्रिटेन की बात करें तो वहां यूरोपीय मूल के व्यक्तियों का बड़ा दबदबा है। तो इसी तरह होता है,
ब्लैक लोगों को कम अधिकार दिए गए, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता। भारत के संबंध में चीजें थोड़ी अलग प्रकार की हैं। ओके, संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। तो ये इनके रक्षा के लिए आर्टिकल 29 और 30 दिए गए हैं अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। 25 से 28 उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी करते हैं सभी की। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी किसी को फालतू में सताया नहीं जाना चाहिए। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक या इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। ये ज्यादातर हिंदू में कास्ट कम्युनिटी को लेकर के बात की जाती है। फिर समुदाय के भीतर भी कुछ लोग एक दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंत सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। कास्ट सिस्टम जैसे भारत का है, वहां भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ दुयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है, किया जाता है, और संभवतः अगर ठीक से शिक्षा दीक्षा नहीं फैली तो आगे भी किया जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन भारत में देखो ना, पॉलिटिकल सिस्टम में एक बड़ा गड़बड़ कर दिया। पॉलिटिकल सिस्टम में इंसान को या अल्पसंख्यकों को वोट मान लिया, सिर्फ वोट, है ना। उनको ना तो शिक्षा दी, ना तो रोजगार दिया ठीक से जो सरकारें रही हैं, उनको सिर्फ वोट का राइट मान लिया। अगर तीन तलाक की बात अगर इस सरकार ने करी है, है ना, तीन तलाक की बात अगर करती है तो वो भी उनके इस्लाम के नजरिए से ही उनको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वोट उनका कट जाएगा अगर तीन तलाक का खंडन करेंगे लोग, है ना। तो ये बात भी है। तो भारत में जब तक किसी व्यक्ति को वोट माना जाता रहेगा, उनका संभवतः विकास नहीं हो सकता। विकास तभी हो सकता है जब उनको वोट न मान करके शिक्षित किया जाए। और ये राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, अगर शिक्षा ठीक से दे दी गई तो ये क्या होगा, ये लोग उनके हाथ से निकल जाएंगे। शिक्षित लोग क्या करते हैं, जहां पर सरकार की बुराई करनी चाहिए थी वहां बुराई करते हैं, और जब उन्हें लगना चाहिए कि सरकार बदलनी है तो वो बदल डालते हैं। ओके, संविधान क्यों होना चाहिए, दो बातें तो आपको स्पष्ट हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है, इसका असल मतलब यह है, कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं के बचाने में मदद करता है। ठीक है, तीखे ढंग से का मतलब जैसे संघर्ष वगैरह हो जाता है ना। कल परीक्षा में मुझे दो अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे यह बात सूझ रही कि आज रात कोई भी टीवी न देखे तब शायद मेरा भी मन ललचाएगा। तो एक बात ये हो गई, ठीक है, कि भैया तुम्हारा काम है पढ़ना तो तुम पढ़ो जाके। ऐसा क्यों है कि नहीं तुम दूसरे पर अधिकार, आपका अधिकार आपके साथ, इनका अधिकार इनके साथ। तो अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा, आखिरी दो अध्यायों से इतने सारे सवाल आए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिसे या जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन थोप देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अंग्रेजों का शासन बेहतर था, है ना, इनका शासन बेहतर था, उनका शासन बेहतर था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं, रोज ये टीवी वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे नेता आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि यार कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर इनको ठोका बजाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को उन, क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में डेमोक्रेसी सिस्टम है ना, इससे बेहतर जब तक हमें सिस्टम नहीं मिलता तो हमें इसी को लेकर के चलना पड़ेगा। और भारत की अगर बात करें ना, तो भारत में अभी डेमोक्रेसी को लोग बहुत सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे लोग सत्ता में चुनकर आ जाते हैं जो क्राइम करते हैं, या जो उनके पास बहुत सारा पैसा है, जो धन बल के बल पर क्या करते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे अभी देखो अयोध्या में जो मामला हुआ, है ना, धन बल के बल पर वो वहाँ का अध्यक्ष बना बैठा है और एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है। उसी तरह देखो
कन्नौज में जो हादसा हुआ, ठीक है, जो घटनाक्रम हुआ वहां भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का प्रयास किया गया, है ना, शोषण करने का प्रयास किया गया। कल बंगाल में देखो, है ना, धन बल के बल पर ही तो ऐसा हुआ कि बंगाल में जो कलकत्ता में जघन्य अपराध हुआ, उनके जो अपराधी थे उनको सजा देने की बजाय उन्हीं पर छानबीन की जा रही थी, पुलिस ने अपना काम ही ठीक से नहीं किया। आ गई बात समझ में? तो ये हो सकता है कि हम चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाते, उसका कारण है हमारी डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने इंडिविजुअलिज्म को इतना विकास कर लिया है कि मोदी जी में हमें भगवान दिखने लगा और हम ये मानने लगे हैं। एक पक्ष मानता है मोदी जी से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता, एक पक्ष मानता है कि मोदी जी से खराब कोई नेता नहीं हो सकता, जबकि बीच में लाइन कहीं टिकती है कि ना तो कोई भी पॉलिटिशियन बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है, वो कहीं बीच में टिकता है। तो अच्छे और बुरे को देखना बंद करके क्या करना है, एनालाइज करना पड़ेगा हमें कि नहीं कौन हमारे लिए काम सही कर रहा है, कौन हमारे लिए काम गलत कर रहा है, और जाति को, धर्म को, है ना, कुटुंब को, इन सारी चीजों को ध्यान दिए बगैर वोट करना है आपको, तभी हमारा लोकतंत्र बेहतर हो सकता है, वरना अन्यथा इसी तरह के घटनाक्रम होते रहेंगे। ओके, कि अपनी जाति का है तो इसको जिताना है, चाहे वो जितना गंदा आदमी हो। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा, है ना। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। 1975 में जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी ने यह करने का प्रयास किया था, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, जो 1978 में बाद में रिवाइव किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ओके, तो अपने आप को तानाशाह घोषित करने की कोशिश कर रही थी, तो लोगों की जनता ने समझा और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये 3 साल में 3 प्रधानमंत्री आ जाते हैं, ठीक से ये व्यवस्था चल नहीं पाती, 80 में फिर इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं। ओके, लेकिन बदली हुई प्रकृति में। तो बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है, तो चीजों को जोड़ करके देखोगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट, अब उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता, वहां के लोगों को ने एक नया संविधान अपनाया। ये ऐसे आदर्श हैं जिससे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा था, तो मूलभूत नियम क्या है, वो शासन का दुरुपयोग कर रहा है या जो पावर थी उसको जो मिली थी उसका दुरुपयोग कर रहा है ना। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है, तो ये क्या है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार को दबाया जा रहा है ना, दोनों को बराबर राइट मिलना चाहिए। सबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला किया क्योंकि उसका एकदम क्लियर माइंडसेट था कि अध्याय को दोहराएंगे तो पेपर में काम आ जाएगा। ओके, आइए भारतीय संविधान के मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि ऊपर एक बिंदु किस खास आदर्श और नियमों की ओर किस रूप में ग्रहण करते हैं। संविधान के जो मुख्य लक्षण की अगर बात करेंगे, देखो, राष्ट्रीय आंदोलन से जो हमने सीखा है ना, वही हमने संविधान को स्वीकार कर लिया। ज्यादातर जो हिस्सा है संविधान का 1935 भारत शासन अधिनियम का ही है, बाकी चीजें हमने और देशों से ग्रहण करी है ना। अगर मुख्य लक्षणों की बात करें तो क्या होगा, सबसे बड़ा विस्तृत संविधान, लिखित संविधान, फंडामेंटल राइट्स का समावेश होना, एकल नागरिकता की बात करना, निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करना, उसके अलावा और जो क्या बोलते हैं, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण की बात करना, है ना, शासन कैसे चलेगा इसकी स्पष्ट बात करना, तो ये सारी चीजें हमारे संविधान का मुख्य लक्षण है। 20वीं सदी आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था क्योंकि बड़े लंबे से चल रहा था ये। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें नियमों को मानना पड़ता था, वे खुद के बनाए नहीं थे, ना कि उनके अनुसार बनाए जाते थे, है ना। ब्रिटिश शासन जैसा चाहता था वैसे थोप देता था। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक देश होना चाहिए,
ओके, और प्रत्येक नागरिक को समान माना जाना चाहिए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार भारतीय संविधान सभा ने दिया था। बाद में 69वें संविधान संशोधन द्वारा वो डेट 18 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हमने बात करी थी। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, और लास्ट में 299 सदस्य बचे थे, उसमें 284 लोगों ने और लगभग 20 महिलाओं ने संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो भावी संविधान निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। पहली बैठक मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। और जो और सच्चिदानंद सिन्हा, मैंने पहले सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बताया, सच्चिदानंद सिन्हा को जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर हमने संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर चुना। 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने चुन लिया, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में हमने बी एन राव को चुन लिया, सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक थे, ओके। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे हमारे। कमेटियां बनी, उसमें सबसे प्रमुख जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, उसमें 7 सदस्यीय कमेटी थी, उसके प्रमुख जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ओके। तो ये चीज़ें थी। 11 दिसंबर को जब थर्ड बैठक हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस देश से प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई, सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे, ठीक है। उपरोक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, है ना, और कई कमेटियों के अध्यक्ष भी थे। तो देखो, संविधान जब बना ना तो यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई, ठीक है, आपसी सहमति विकसित की गई कि जिस बात पर सभी लोग सहमत हुए उसको मान लिया गया, और व्यापक चर्चाएं हुई। वोटिंग नहीं हुई कि 50% से संविधान सभा में एक तिहाई बहुमत से पारित कर दिया गया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया, आधे से अधिक लोगों की सहमत से पारित कर दिया गया, नहीं, प्रॉपर बहस होने के बाद आम सहमति हुई। सभी जितने भी सदस्य बैठे थे सबको सहमत होना था, और जब सब सहमत हुए तो संविधान बन करके तैयार हो गया। संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा के इन सदस्यों में सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी थी, देश में कई समुदाय थे, ना तो उनकी भाषा एक थी, ना तो उनका धर्म एक था, ना ही उनकी संस्कृति एक जैसी थी। वैसे भी जिस संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे ये मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, यानी जो हमारी नेशनलिटी है उस पर भी चोट न पहुँचे, और जो विविधता है उस पर भी चोट न पहुँचे, तो उसका उसके प्रति गहरा सम्मान दिखाते हुए राष्ट्रीय एकता को पूरा किया गया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करी गई है वो कहाँ है, वो है आपके DPSP भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक मन कहा जाता है। अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन समण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। इसलिए अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़ चल कर शामिल हों, शिक्षा प्राप्त करें, IAS PCS बने। वो क्यों कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो संविधान है वो समण हिंदुओं के हाथ में रहेगा, उन्हीं की शासन सत्ता रहेगी, और जब शासन सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी है ना, तो क्या होगा, वो उनके अधिकारों का दमन करेंगे, और ये होता भी है, ठीक है।
ये होता भी है, ये कोई नई बात नहीं है। जो अंबेडकर का जो सपना था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, सभी को समानता भी नहीं मिल पाई है। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा अत्याचार तो नहीं, लेकिन अत्याचार तो होता ही है। जातियों के आधार पर लोगों को पानी पीने से रोका जाता है, हत्या कर दी जाती है, उनको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है ना, पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता। तो ये सारे क्या हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। आगे बात समझ में। आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ आयामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। और इस दस्तावेज को जिनसे ये दस्तावेज लिखने वाले जूझ रहे थे, और समझने की कोशिश कीजिए करिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो सबसे पहली जो बात आई है वो संघवाद की आई है, फेडरलिज्म। ठीक है, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। देखो, संघवाद का मतलब होता है संघ सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व। ओके, राज्य सरकारों के अस्तित्व की भी बात हो जाती है। एकात्मक व्यवस्था नहीं है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, हालांकि संविधान में ना तो संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है ना, कहीं प्रयोग नहीं किया गया संघीय शब्द के लिए, यूनियन का प्रयोग किया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। तो संघीय व्यवस्था की है हमारे, लेकिन संघवाद या संघीय शब्द का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था आ गई, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था बन गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारें। ठीक है, और कुछ सूचियां भी बना दी गई, जैसे हाँ अनुसूची 7 पढ़ोगे तो उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी, पंचायती राज व्यवस्था का शासन तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप 7-8 में पढ़ चुके हों। ठीक है, भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग ही पूरे भारत के फैसले न लेने लगें। ठीक है, कि दिल्ली में बैठ करके आमयाम दिख रहा है सबको, वहाँ खराबी दिखी नहीं रही है, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। ठीक है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की स्वतंत्र सरकारों की व्यवस्था भी की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, जैसे राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर याद रहेगा, केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद कर लेना इनको। संविधान सभा में सार्वभौमिक मताधिकार सिद्धांत को स्वीकृति दी गई, तो AK अय्यर ने कहा था, यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है। इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी की कुशल क्षेम, जीवन स्तर सुविधा, बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहन देगी। ओके, ये किसने कहा था? AK अय्यर ने कहा था, संविधान सभा के अध्यक्ष ये सदस्य थे। ठीक है, तो सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है? इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार को अपने कर्तव्यों के लिए पैसे का इंतजाम यानी कर लगाने की व्यवस्था दी गई है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संघ के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उन्हें वो स्वतंत्र हैं और उनको भी ताकत संविधान से ही मिलती है। संविधान ही तय कर दिया है कि राज्य सरकारों का कार्य क्या होगा, वो कैसे काम करेंगी। और जहां पर कहीं पर दिक्कत आती है, क्लैश होता है संघ और राज्यों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, दूसरी, पहली तो संघवाद हो गया, संघीय व्यवस्था है ना। तीसरी जो दूसरी बात है वो संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। आपने कक्षा 7 की किताब में कांता और कहानी और वोट डालने के बारे में कतार में खड़ी सुना था, ये देखो पहले सिस्टम ऐसे वोट डालना था। अब मैं बता देता हूँ कि लोग किन किन को वोट देते हैं।
देखो लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या है, आम लोग जो 18 वर्ष के ऊपर हैं वो वोट देते हैं, विधानसभा के चुनाव में लोग वोट देते हैं, पंचायत चुनाव में लोग वोट देते हैं, जनता सीधे भाग देती है, और नगरपालिका का चुनाव में जनता सीधे वोट करती है। तो ये चार चुनाव हैं जिन पे जनता सीधे वोट करती है। अब कहां पर जनता सीधे वोट नहीं करती, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता सीधे वोट नहीं करती, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता सीधे वोट नहीं करती, राज्यसभा के सदस्यों में चुनाव जब होता है तो जनता वहां वोट नहीं करती, है ना, विधान परिषद के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो जनता वहां वोट नहीं करती, जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है तो जनता वहां वोट नहीं करती, जब नगर पंचायत सदस्य का चुनाव होता है तो जनता वहां वोट नहीं करती, ज्यादातर चुनाव में जनता सीधे वोट करती है, चाहे ग्राम प्रधान को चुनना हो या फिर पंचायत अध्यक्ष को या नगरपालिका अध्यक्ष को। ओके, यहां वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो क्या था, उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। ये अमेरिका में नहीं था, ये फ्रांस में नहीं था, ये यूरोप में नहीं था, ये सर्वप्रथम भारत में ही आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फिर अन्य देशों में काफी बाद में भी आया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति वर्ग औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी बना हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। अब आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष का होना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष का होना चाहिए, पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 18 वर्ष का होना चाहिए, है ना, नगरपालिका के चुनाव लड़ना है तो 18 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष की पूरी होनी चाहिए, विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है तो 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, है ना, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें लिख दी गई हैं, ठीक है, और सभी के लिए एथराइज कर दिया गया है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, है ना, लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा है इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता मतलब लोकसभा जो संसद है वो लोकसभा के या कार्यपालिका लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, याद रखना कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में इस पुस्तक की दूसरी इकाई में पढ़ेंगे, है ना, जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे महत्वपूर्ण है वो हम आगे बात करेंगे। पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का बंटवारा, संविधान के अनुसार सरकार के तीन काम हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने वाली, कार्यपालिका कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली, और न्यायपालिका न्याय करने वाली। तो देखो जब राज्य की स्थापना हो रही थी ना, ठीक है, राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, नीचे दिया गया है, तो राज्य में देखो तीन चार चीजें होती हैं, भूभाग होता है, ठीक है, जनसंख्या होगी, जनसंख्या के अलावा सरकार होगी, सरकार के साथ संप्रभुता होनी चाहिए। ओके, ये चार चीजें किसी राज्य के निर्माण में ये चार चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपको दुकान खोलनी है तो क्या है, आपको दुकान चाहिए किराए पे, या आपके पास स्वयं हो या कोई स्थान हो जहां पर आप दुकान खोल सकें। अगर दुकान खोल लिया तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आपसे चीजें परचेज कर सके, खरीदारी कर सके, यानी कस्टमर होने चाहिए, और आपने दुकान खोली, कस्टमर भी है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा कि दुकान कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, कौन सा आइटम बेचना है, कौन सा आइटम नहीं बेचना चाहिए। संप्रभुता ही होनी चाहिए, संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता, वो किस में होनी चाहिए, सरकार में। तो जब सरकार होगी तो सरकार के पास तीन चीजें होंगी, ठीक है, जो सरकार के पास चुनौतियां होंगी वो तीन होंगी। सबसे पहली चुनौती होगी कानून बनाने की, दूसरी चुनौती होगी कानूनों के अनुसार शासन चलाने की, तीसरी चुनौती होगी न्याय करने की। ओके, ये सरकार जैसे ही बनेगी उसके पास ये तीन चुनौतियां होंगी। तो भारतीय संविधान में क्या किया गया,
कानून बनाने वाली संस्था संसद को बना दिया गया, राज्य विधान मंडलों को बना दिया गया या विधायिका कह दी गई, कार्यपालिका कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था। और पावर ऑफ सेपरेशन कर दिया गया है, विधायिका से कार्यपालिका निकलती है भारत में, लेकिन न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे संसद की बात करें तो संसद में कौन होगा, संसद में राज्यसभा सदस्य है ना, लोकसभा सदस्य और प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट रूप से आता है, राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्ट रूप से आते हैं, ये जनप्रतिनिधि सदन होता है और ये क्या है डायरेक्ट आते हैं नहीं, जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होता है। तो विधायिका ये संसद बन गई। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे IAS PCS स्थायी कार्यपालिका है, ब्यूरोक्रेट जिनको बोलते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका का मतलब जिनका निर्वाचन होता है प्रत्येक 5 साल में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन होता है लोकसभा सदस्य का। ओके, बात समझ में आ गई। और न्यायपालिका क्या होगी, वो एक संस्था बना दी गई। अब संविधान सभा के सदस्यों को भय था कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे। आशंकों को ध्यान में रखते हुए सभा के में ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया जिसके जरिए शासन की जो कार्यकारी शाखा है द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। तो शासन में ऐसे कई सारे अंगों की बात करी गई है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई है ना। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका संसद और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखती है, और जब न्यायपालिका गलत करने लगती है तो संसद क्या करती है, जहां पर न्यायपालिका गलत होती है उसके कानून को ओवरराइट कर देती है ना, और उससे संतुलन कायम रहता है। ठीक है, इसी में अभी न्यायिक सक्रियतावाद आएगा कि जब न्यायपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा पे चली जाती है, तो वो कहीं पर छोटी सी लाइन है जहां पर डिस्टर्बेंस आ जाता है। ओके, तो ये चीजें हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट का काम जो न्यायालय है उसका काम न्याय करना है, जो कार्यपालिका है उसका काम कानूनों के अनुसार शासन चलाना है, जो विधायिका है उसका काम कानूनों को बनाना है प्रॉपर विचार विमर्श करके। राज्य के अक्सर इस्तेमाल किया जाता है राज्य शब्द का, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। राज्य का शब्द का इस्तेमाल हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ना। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार यानी कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी देखो, ये एक अमूर्त अवधारणा है ना, इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है एक, जो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब जो है तो है ना, जो हमारे सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो राज्य एक ऐसी भूमिका में है जो सरकार से बड़ा है। यानी सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश का मतलब हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था रहनी चाहिए, हमारा जो ये पावर सेपरेशन का सिद्धांत है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जो विविधता में एकता है, ये सब रहना चाहिए। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। ओके, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। वही अधिकार 12 से 35 भाग 3 में आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये वो टाइम था जहां पर आपको अधिकार लिखित रूप में नहीं थे है ना, और उनका हमेशा दुरुपयोग किया जाता था। ठीक है, तो लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता, यानी ये नकारात्मक है, ये क्या है, राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, तो ये नकारात्मक अधिकार हैं, तो राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं आपको। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष
व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक है। और इसका फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन कौन है? भारतीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूहों की रक्षा कर सकें, तो आर्टिकल 29-30 दिया गया है। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब देख सकते हो, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है, धर्म, लिंग, जाति, लिंग स्थान, जन्म स्थान वगैरह के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं 29 और 30 है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये प्रकार के तीन ये हो गए और तीन ऊपर हो गए, 14 से 18 एक, 19 से 22 दो, 23-24 तीन, 25-28 चार, 29-30 पांच, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6। ओके, तो अब वर्तमान में 6 अधिकार हैं, मूल संविधान में 7 अधिकार थे। सातवां जो आपका अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार था, उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया, ठीक है। और उसको अनुच्छेद 301 के तहत लीगल राइट यानी विधिक अधिकार बना दिया गया। ओके, मौलिक अधिकारों के अलावा एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है, आर्टिकल 36 से 51 का। DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के लिए कर्तव्य दिए गए हैं कि राज्य व्यवस्था जब बनेगी तो इन कर्तव्यों को लागू करने का काम करेगा, ये नियमों कानूनों का संग्रह बनाएगा। ये 36 से 51 तक दिए गए हैं संविधान के भाग 4 में। ओके, संविधान के सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि ज्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जा सके। तो ये सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए है, सामाजिक आर्थिक समानता लाने के लिए, और फंडामेंटल राइट सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए हैं। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून नीतियां बनाएं, इन सिद्धांतों के मार्गदर्शन के रूप में हमेशा सामने रखेंगे कि जब भी वो नीतियां बनाएगा तो इन चीजों को ध्यान में रखेगा। निम्नलिखित कौन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस कर लेते हैं। 13 साल का एक बच्चा कालीन कारखाने में मजदूरी करता है, तो ये किस अधिकार का उल्लंघन है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। किसी भी यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये कौन सा है? आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के विरुद्ध जाता है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, आर्टिकल 29 और 30 का विरोध करता है। यदि सरकार सशस्त्र बदलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नत नहीं दे रही कि वह अधिकारी महिला है तो ये क्या है? समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। धन निरपेक्षता, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप बाकी बेसिक चीजें देख लेते हैं। धन निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य का अधिकृत रूप से कोई धर्म या राजकीय धर्म नहीं होगा। जैसे जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उस समय जैन को मानते थे तो जैन धर्म राजकीय धर्म बन गया था। बिंदुसार आया तो अजीवक संप्रदाय को बना दिया। अशोक आया तो बौद्ध धर्म को बड़ा प्रश्रय दिया। उसी तरह इस्लाम का आगमन हो गया तो भारत इस्लामिक स्टेट बन गया। इसी तरह जब संविधान यूरोपीय है तो ब्रिटिश बन गया, है ना। अगर भारत में जब संविधान की बात करी गई तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई कि भारत का कोई इंडिविजुअल धर्म नहीं होगा, ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना कुछ होगा। भारत सेकुलर स्टेट होगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। ये बात आर्टिकल 25 से 28 में बार बार कही गई है। और भी कई ऐसे चीजें हैं जहां पर यह अधिकार लागू हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक स्टेट है ना, पाकिस्तान का जो राजकीय धर्म इस्लाम है। यूरोपीय मध्य एशिया के देशों को देखें, ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है ना। चाइना देखें बुद्धिस्ट कंट्री, म्यांमार देखें बुद्धिस्ट कंट्री, बांग्लादेश देखें तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता थी लेकिन वहां भी इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है।
तो आप इस बात को समझ ले होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। तो यानी अतीत से हम सीखते हैं और अतीत के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। अगर प्रीलिम्स में आपके एक दो नंबर कम आए तो आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, कहाँ चूक रह गए उसको देख करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर भविष्य में अगर बेहतर आपको बनना है तो अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी। भारतीय लोगों ने या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने भविष्य की गलतियों से सीख लेकर एक महान संविधान बना करके तैयार किया। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। इसीलिए 1973 में कहा गया था कि संविधान में बदलाव किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कि मकान बहुत बड़ा बना है, अब आप न्यू खोद डाल रहे हो तो न्यू नहीं खोदी जा सकती, ऊपर के फ्लोरों में आप जो कर सकते हो करो। अगर निर्विशेषता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है तो उसे नहीं बदला जा सकता, धर्म निरपेक्ष ही रहेगा। एकल न्यायपालिका की अगर बात की गई, विधायिका की अगर बात की गई, संसद की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई, संघवाद की बात की गई, तो ये इसका मूल ढांचा है। ओके, ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं, बिल्कुल होंगे, और उन्हें समझने में काफी मुश्किल महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करें, आगे की कक्षाओं में आपको ये पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो जहां पर दिक्कत है उसको हम आगे डिटेल कर लेंगे। उपरोक्त तस्वीर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, दूसरे सदन में राजेंद्र प्रसाद हैं, सबसे निचले दाएं बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं, जयराम दास, दौलत राम, खाद्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई, वित्त मंत्री वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, जान मथाई वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री वल्लभ पटेल, और दौलत राम कृषि मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो ये याद रखना, ये भी बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है लेकिन ये मूल संविधान में नहीं था, इसे भाग 4A या का में रखा गया है, आर्टिकल 51A के माध्यम से। और कब रखा गया है, ये रखा गया है 10 मूल कर्तव्यों को 1942 में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। और ये मूल कर्तव्यों की बात हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर, है ना। कुल उन्होंने 8 मूल कर्तव्य सुझाए थे लेकिन संविधान में 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे। 2002 में 1 मूल कर्तव्य बढ़ाया गया, अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। ओके, तो ये याद रखना। और मूल कर्तव्यों की जो ये बातें की गई हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, पहले 10 थे अब 11 हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, आपका चैप्टर खत्म हुआ तो अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो नेपाल के संविधान का कार्यपालिका कार्यकारी शक्तियां, नेपाल अधिराज की कार्यकर शक्तियां महामहिम नरेश और मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। ठीक है, नेपाल का संविधान संघीय कार्यपालिका हो गई भाग 7 में। अब 75 कार्यकारी शक्तियां किसमें, नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो इसलिए होता है, तो लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ती है, 3 बातों में आपको बताना है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता, तो देश का शासन जैसे चाहते वैसे चलाते हैं। अल्पसंख्यक कौन है, विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, एक स्कूल में 30 शिक्षक है उसमें 20 पुरुष हैं, इसका मतलब 10 महिला शिक्षक हैं, तो उनके अधिकारों का भी सम्मान, उनकी बात को भी मानना। एक शहर में 5% बौद्ध लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, ठीक है, तो एक एक कारण बताना है। एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, 20% मांसाहारी हैं, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं और 10 पिछड़े परिवारों से हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक की दर्जा दिया गया है, आपको बताना है अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है, और उनके विचारों का सम्मान क्यों करना चाहिए, भाई सभी समान हैं। संघवाद क्या होगा, संघवाद का मतलब केंद्र के साथ राज्य की सरकारें, स्थानीय स्तर पर भी सरकारें। शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, है ना, कुल मिलाकर 6 अधिकार। संसदीय शासन पद्धति यानी निर्वाचन पद्धति के द्वारा प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, हमने ब्रिटेन से अपनाया है।
व्यवस्थाएं दो होती हैं, एक अध्यक्षीय होती है, एक संसदीय होती है। हमने संसदीय परंपरा को अपनाया है, ठीक है। राज्यों की सीमा उन देशों से लगती है, किन राज्यों की सीमा, भारतीय राज्यों की सीमा, नाम लिखिए जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं, बांग्लादेश, भूटान। अब कौन कौन से राज्य हैं भाई, छांट लूँ, पूर्वोत्तर में ये है आसाम है, ठीक है, इधर त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश ने आसाम की लगती है सिर्फ, ठीक है, इधर बांग्लादेश की लगती है, ओके सॉरी पश्चिम बंगाल की लगती है। नेपाल की सीमा बिहार से लगती है, उधर सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की लगती है। भूटान है, भूटान भाई ये वाला भूटान का हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, आसाम से लगती है ना, पश्चिम बंगाल से लगती है और नेपाल से लगती, उससे सिक्किम से लगती है। तो इस तरह से डिवाइड कर लेंगे यार, ये सिंपल चीज़ें हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब मनमानापन सब संकलन है तो उनको भी देख लेते हैं। मनमानापन पर क्या है, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या नापसंद के से चलने लगता है कि मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, तो उसे मनमानापन कहते हैं, ठीक है। वहाँ नियम तय नहीं किए गए हों, जहाँ पर फैसलों पर कोई आधार नहीं, उसे भी मनमानापन कहते हैं, कि जब मन किया फैसला ले लिया बिना किसी से विचार विमर्श किए। आदर्श क्या है, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने शब्द और सर्वश्रेष्ठम रूप में होता है उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पता ही है आपको, 1947 में हम आज़ाद हुए। राज्य व्यवस्था क्या है, एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है, जैसे भारतीय लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था। संप्रभुता क्या है, जनता को संप्रभु कहा जाता है, यानी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। मानव व्यापार क्या होता है ना, मानव व्यापार यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ों की, जैसे पुरुष महिला बच्चे स्त्री पुरुष इनकी खरीद बिक्री, ये मानव व्यापार या बालाश्रम कहा जाता है। बालाश्रम अलग चीज़ होती है ना, मानव व्यापार का मतलब मनुष्य की खरीद बिक्री, उसमें औरतों और बच्चों का अवैध व्यापार आ जाता है, वो गैरकानूनी है भारत में। निरंकुशता का मतलब क्या होता है, अपने अधिकारों का या सत्ता का पूर्ण अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करना, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रूरता होती है, निरंकुशता होती है, जैसे हिटलर वगैरह करते थे। तो आज की ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज के बाद एनसीईआरटी की जो भी क्लासेज होंगी ना, वो कब होंगी, वो शाम के 5:30 बजे होंगी, ओके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अगले दिन के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।